कोई खुश नहीं है, कुर्सी पर सांप बैठे या बिच्छू बैठे। मैं मुख्यमंत्री उनको उस दिन मानूंगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ देंगे। दिल्ली को इन लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया, आप असलियत में अकेला आदमी पार्टी बन कर रह गए। यहाँ पे दिल्ली में जल्द से जल्द दंगे होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चोर हो चुकी है, घर का पैसा घर में ही रह गया, इसलिए उन्होंने जो बना दिया इसको। नहीं तो ये जो आम आदमी पार्टी की नौटंकी करने की हिस्ट्री है वही शराब घोटाला करके सारा हजम कर लिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका मौजूद हूँ दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके में। मौसम भी काफी इस वक्त जो है सुहाना बन चुका है और आज दिल्ली वालों के लिए जो है काफी बड़ी बात है कि उनको नया मुख्यमंत्री उनको आज मिल चुका है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस वक्त। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी ये, या फिर कोई इसके पीछे षड्यंत्र था, या फिर आने वाले टाइम पे कुछ पलटा पलटी देखी जा सकती है। क्या लग रहा है आपको, खुश है आप नया मुख्यमंत्री आपको आज मिल चुका है? मेरा ख्याल कोई खुश नहीं है, कुर्सी पर सांप बैठे या बिच्छू बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने भी दिल्ली को लूटा है, ये भी दिल्ली को लूट रही थी और अब लूटेगी, खुलकर लूटेगी। घर का पैसा घर में ही रह गया, इसलिए उन्होंने जो बना दिया इसको आतिशी को, ताकि जो उन्होंने जो है 10 साल से लूट खसोट की और अरबों खरबों कमाया है लूटा है वो निकल ना जाए इसलिए। और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का मेन रीजन जो है, मेन कारण क्या लग रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी थी या उन्होंने पूरा विश्वास जो है वो जताया है आतिशी पर? उस बंदे को तो अपनी वाइफ पे विश्वास नहीं है, उसको एक डमी बंदा चाहिए था, कठपुतली चाहिए जो किसी का इशारों पे नाचे। और आतिशी से जो स्वाति मालीवाल ने भी ये बयान दिया है कि उनका डमी है वो, ऑब्वियसली देखिए ना आप स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, उसी के दफ्तर में, उसी का मतलब केजरीवाल के दफ्तर में उनके अस्पत पे हाथ दिया गया था, कुछ नहीं किया था। और ये आतिशी जो थी उस समय मिनिस्टर थी, तो ये एक ही थैली के हैं, इनको जो है पब्लिक से कोई सहानुभूति नहीं है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के ये लोग पीर है और वही कमा रहे हैं, इतना इन्होंने लूटा खसूटा है, किसी और को बना देते ये थर्ड पर्सन तो शायद पैसा दाएं बाएं होता है, इसलिए कैबिनेट का पैसा कैबिनेट में रह गया। और आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। अब तो केजरीवाल किसी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, फिर आतिशी किसी पढ़ रही है, सब जो है एक दूसरे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। ओरिजिनल थॉट तो गिनती के लोगों के होता है, बाकी सब जो है अब ये देखिए ना, ये जो श्रीमान जी हर 3 महीने में थाईलैंड या जो जाते थे बाहर जाते थे वो भी किसी ना किसी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो भी कोई बहुत पढ़ने के बंदे तो है नहीं है, तो ऐसे ही राजनीति ऐसे ही चलती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल का नाम भी जो है शामिल था, उन्होंने अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं किनारा कर आतिशी को मौका दिया। देखिए मैडम ऐसा ना है कि ये बहुत बड़ी सोची शर्मी समझी साजिश है, ये 10 साल से केजरीवाल जी हैं, इतना पैसा कमाया है, अब चूंकि भ्रष्टाचारी से और लोगों को पता चल गया है, पब्लिक को भी सरकार को भी सबको, अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अब वाइफ को बनाते रगड़े में आती, इसलिए मियां भी बाहर आ गए शराफत से। इसको जो है 2-3 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद अभी सितंबर एंड होने वाला है, नया साल तक कोई बड़ी बात नहीं कि आतिशी भी जो है। और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दावा किया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि पूरी बहुमत के साथ जो है दिल्ली की जनता ही उन्हें कुर्सी पर बिठाएगी। लग रहा है आपको कुर्सी पर दोबारा बैठेंगे अरविंद केजरीवाल? सोच को कौन रोक सकता है, अब तुम सोचो कि तुम्हें बिल गेट्स फाइनेंस कर दे, तुम्हें बिल गेट्स पार्टनर बना ले, एलन मस्क तुम्हें पार्टनर बना ले, सोचो बैठ के, सोचते रहो बैठ के। ऐसा ना अभी 3 महीने पहले दिल्ली की चुनाव हुए, 7 सीटें थी, हाथ से निकल गई, भाई तुम तो सोच रहे हो बहुमत से, तुम्हें जो है ट्रेलर तो दिख गया है। बाकी अब रही बात जम्मू कश्मीर की, हफ्ते बाद आज कल से पहला चरण है, 3 चरणों में होगा, 90 सीटें, मुझे लगता है कि ओवरऑल विपक्ष, मैं आम आदमी पार्टी का ओवरऑल विपक्ष, मुझे लगता है 10 सीटें मिलेंगी। इसी तरह उसके बाद जो है 10 दिन के बाद ये चुनाव आपका हरियाणा में है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी 2 या 3 सीटें से ज़्यादा लेके आएगी, होनी भी चाहिए। देखिए मैडम ऐसा है ना, विपक्ष थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि दिल लगा रहता है, ताकि सत्ताधारी पार्टी में कोई क्वेश्चन करे तो वो सत्ताधारी पार्टी ही काम करती है, इसलिए विपक्ष भी जो होना चाहिए। तो आपको लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है नतीजे जो आएंगे किस तरह से लग रहा है दिल्ली की जनता का, अगर माइंडसेट लेके चले, क्योंकि उनको काफी कुछ फ्रीबीज दे रखा है, तो इस लालच में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल वापस देख रहे हैं आप सत्ता में? टू बी वेरी फ्रैंक, नथिंग इज फ्री। आप इस टाइम यहाँ खड़े हो, सांस ले रहे हो वो भी फ्री नहीं है, पानी पी रहे हो वो भी फ्री नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना कि अगर आप कह रहे हो केजरीवाल ने फ्री दिया था बिजली पानी, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या उसने घर में जनरेटर लगाए हुए थे जो बिजली पैदा कर रहा था? क्या उसके घर में सबमर्शियल थे? आफ्टरऑल उसने जो है डिस्कॉम कंपनीज के कई 1000 करोड़ रुपया देना है, दिल्ली जनपद कई 1000 करोड़ देना है, कहाँ से देगा वो? अपने आप को बेच के देगा क्या? फ्री कुछ नहीं है, पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बनाया है। और दिल्ली की जो अब जो चुनाव होने हैं फरवरी में, या जो कह रहा है कि दिसंबर में करा दो, जब भी करा दो, आज की डेट में लगभग लगभग 18 से 20% नए वोटर्स हैं,
एजुकेटेड है, फर्स्ट टाइम वोट देंगे और उनको पता है कि ये भ्रष्टाचारी बंदा है, फ्रॉड बंदा है, इसने क्या किया है, उसको उम्मीद नहीं है कि ये दिल्ली में 70 में से शायद 5 सीटें, मैं भी शायद बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी इसको। जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, दिल्ली के रहने वाले हैं जी, नहीं तो आपको तो अभी नया मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी बन चुकी हैं, क्या लग रहा है आने वाले टाइम पे? ये मुख्यमंत्री लग रहा है, मुख्यमंत्री नहीं, क्या देख रहे हैं उनको आप, किस मतलब सीट पर देख, क्या देख रहे हैं? देखिए मैं मुख्यमंत्री उनको उस दिन मानूंगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल सीसमहल छोड़ देंगे, तब मानूंगा कि मैंने उन्होंने रियली में रिजाइन दिया है, नहीं तो ये जो आम आदमी पार्टी की नौटंकी करने की हिस्ट्री है वही है। अब सीएम सॉरी आतिशी जी के बारे में बता दूं, भैया दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब जल संकट आया हुआ था, पानी की सप्लाई पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, तो ये क्या कर रही थी एज ए मुख्यमंत्री, जल मंत्री, सारा कुछ डाटा झूठ बोलने के बाद ये धरना प्रदर्शन कर रही थी, धरना प्रदर्शन में स्क्रिप्टेड नौटंकी कर रही थी, वो भी लीक आउट हो गया। भैया ये एक बात मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल को, चूंकि हमारे देश की कोर्ट, उन्होंने कहा कि भैया अब जनता मुझे जिताएगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसका मतलब ये है कि अगर अमृतपाल जीत गया है तो वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, वो खालिस्तान की डिमांड नहीं करता, उस हिसाब से तो वो जीता हुआ कैंडिडेट है, उस हिसाब से तो उसको जेल से बाहर निकाल देना चाहिए तुरंत। इस देश में कैग ने 2G 3G का स्कैम का आरोप लगाया, ठीक है हमारे देश के अधिकारियों की बात हो रही है, सिविल सर्वेंट जो हैं इस देश के, उनके ऊपर आरोप लगाया, उनकी सरकार चली गई, 10 साल हो गए मोदी जी सत्ता में, अगले 5 साल भी पूरे करेंगे, खत्म हो गए। ये बात बताइए कांग्रेस के ऊपर जितने आरोप लगे थे, डी राजा, कन्नी मोजी, जितने लोग थे, सब लोग कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, हुए ना? घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ था, सारी सुनवाई मोदी जी के राज में हुई थी ना। तो भैया जिन अधिकारियों ने कोयले घोटाले से लेके 2G 3G 4G जितने घोटाले यूपीए के काल में हुए थे, उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो सारे बरी हो गए। गोधरा कांड में नहीं, गुजरात दंगे में मोदी जी के ऊपर आरोप लगा, उनके खिलाफ जाँच हुई, ठीक है, जाँच में मोदी जी निर्दोष पाए गए, सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, किसी ने आरोप नहीं लगाया कि भैया उनके साथ नहीं हुआ, इसके बाद भी 10 साल से वो सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस 10 साल से बाहर है, तो इसका मतलब मैं निर्दोष भी हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, अगर जनता मुझे रिजेक्ट कर देती है तो इसका मतलब मैं बेईमान हो गया, ठीक है। तो भैया ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आप चलाएंगे? जनता को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, ये तो दोनों लोगों से पूछी जाएगी ना, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज की होती है कि नहीं डेमोक्रेसी में? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको चौथा स्तंभ माना जाता है, जुडिशियरी को पहला माना जाता है, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, नेता है, सबकी अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी, लेकिन किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। भैया जो लोग घूस ले रहे थे, नीरा राडिया तीप पूरी दुनिया में जग जाहिर है, वो लोग कहते हैं तो गोदी मीडिया हो गया, मतलब मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं दूसरे को बता रहा हूँ अगला चोर है भाई। तो इस देश में इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और देखिए आतिशी जी ने नौटंकी करी है इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब ये बात देखने योग्य है कि जिस प्रकार से लालू यादव मेडिकल लीव लेके जमानत पे घूम रहे हैं, ठीक है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल क्या जो दुनिया के विक्टिम कार्ड, सॉरी दिल्ली की जनता के लिए जो विक्टिम कार्ड खेला है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, अरे भैया इस्तीफा दिया तो पहले मुख्यमंत्री आवास खाली करो। ये भी, हाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक बार अगर आतिशी बैठ गई तो वो कहीं ना उठने का लिए नाम नहीं लेंगी, अगर कुर्सी पे आ रहा था। देखिए आतिशी मार्लिना ने आरोप लगाया हुआ था कि मेरे पास भाजपा वालों का फोन आता है, भाजपा वाले बोलते हैं कि तुम मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, कल को अगर वो भाजपा में शामिल हो जाती है तो क्या आतिशी मार्लिना पे जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हो जाए तो भाजपा वाले क्या जवाब देंगे? तो क्या आतिशी मार्लिना पवित्र हो जाएंगी? ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल की पूरी नौटंकी खेली गई है, आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री है नौटंकी करने का और झूठ बोलने का। अगर उन्होंने सच में रिजाइन किया है तो पहले ये मुख्यमंत्री आवास खाली करें, उस दिन ये लगेगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर वो मुख्यमंत्री आवास नहीं खाली करते इसका मतलब है उन्होंने जनता को फिर से दिल्ली की जनता को चूना लगाया है। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं आप, तो अभी आपको नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, और एक ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी है या उन्होंने पूरा विश्वास जताया है आतिशी को, इसलिए उनको जो है मुख्यमंत्री बनने का जो है मौका दिया गया, आपको क्या कारण लग रहा है? कठपुतली, यही कारण है जी, यही कारण है, दिल्ली को इन लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया, और ये वो लोग हैं
ये वो लोग हैं। आज दिल्ली और देश शर्मसार है, जब देश के सदन को, देश की संसद को लहूलुहान किया गया था, जब देश के वीरों ने अपना अपनी छाती आगे कर दी, लेकिन उन आतंकवादियों के सामने झुके नहीं, अपने को शहादत मंजूरी दी, अपने को शहादत मंजूरी दी, लेकिन सदन की गरिमा को गिरने नहीं दिया। उन्होंने शहीद होना मंजूर समझा, तिरंगे के सम्मान के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और जिन्होंने सदन पर, संसद पर अटैक करने का काम किया, उसके माँ बाप आतिशी मार्लिना के माँ बाप वही हैं। आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार को ऐसी नेता मिली जिन्होंने आतंकवादियों की पैरवी की, आतंकवादियों की पैरवी की। सोचिए उन शहीदों के ऊपर क्या बीती होगी, सोचिए उन शहीद परिवारों के ऊपर क्या बीती होगी साहब, क्या बीती होगी। अरे साहब, सी कॉमन मैन की बात करते थे, आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जी, आप असलियत में अकेला आदमी पार्टी बनकर रह गए, अकेला आदमी पार्टी बनकर रह गए। आपके पास आम आदमी वाली कोई चीज़ रही नहीं, कोई चीज़ बची नहीं। 62 सीट वाले विधायक थे, पहली ऐसा जनादेश शायद ही देश में किसी दूसरे को मिला है, शायद ही किसी को मिला है, लेकिन आपको मिला। लेकिन आपके आगे किसी अन्य विधायकों के ऊपर आपको विश्वास नहीं था, क्योंकि आपको हकीकत में ये जो बनना था, ये जो करना था। साहब दिल्ली को तो छोड़ दीजिए, अरे साहब आप वही है ना जो टोपी पहनकर चले थे रामलीला मैदान से, जनता को टोपी पहनाने का काम किया, 49 दिन की सरकार में त्याग पत्र दिया, बोला कि हम जन लोकपाल लाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद भी जन लोकपाल का जो तो छोड़िए, जन लोकपाल का जो तो छोड़िए। दिल्ली के लिए शराब का बिल ले आए साहब, शराब का बिल ले आए, जन लोकपाल तो नहीं आया, शराब का बिल जरूर आया। वही है ना आप जो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात करते थे, साहब आप तो जेल यात्रा के भ्रमण पर निकले हैं। अरे साहब पाठशाला वाला ही है ना आप जो पाठशाला की बात करते थे और मधुशाला की दलाली खाने लग गए। अरे साहब कितना लूटिएगा दिल्ली को, ऐसा कोई पोर्टफोलियो बता दीजिए, ऐसा कोई पोर्टफोलियो बता दीजिए जिसमें करप्शन ना हुआ हो। इंडिया अगेंस्ट करप्शन याद है ना मैडम, रामलीला मैदान याद है ना, तिरंगा मैं पूरा देश और पूरी दिल्ली याद है ना, भूली तो नहीं। आज वास्तविकता में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों को किनको न्याय मिला है, उनको एक जीत मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी आज त्याग पत्र दे रहा है, उसकी त्याग पत्र ये स्वीकारिता है कि वो किंग पिन है शराब माफिया का, वो किंग पिन है भ्रष्टाचार का, और इसके त्यागपत्र ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ अरविंद केजरीवाल ही भ्रष्टाचारी है। जी आपने स्वाति माल, जो स्वाति मालने वाले ने अपना स्टेटमेंट दिया, आपने भी वही दिया है कि आतंकवादी का जो है साथ दिया था इन्होंने, तो लेकिन इस पे जो बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरी स्क्रिप्ट पड़ रही है स्वाति मालीवाल। देखिए स्वाति मालीवाल जी वो है जब अरविंद केजरीवाल जी इंसुलिन लगाना शुरू कर देते, अरविंद केजरीवाल ने 30 साल पहले इंसुलिन लगाना शुरू किया था, ये पता किसने कही, ये बात आज की मुख्यमंत्री साहिबा ने कही थी, किसमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आतिशी मार्लिना 30 साल पहले जब इंसुलिन लगाना शुरू किया, तब से आतिशी मार्लिना स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ है। लेकिन इनको कहाँ भाते हैं भले आदमी, इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए वो कहाँ भाते हैं। आज कपिल मिश्रा कहाँ है, आज स्वाति मालीवाल कहाँ है, आज नितिन त्यागी भाई कहाँ है, जाकर देखिए। उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को सींचने का काम किया, लेकिन जिसने आम आदमी का नाम लिया उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि दस नॉट आम आदमी, दिस इज अकेला आदमी, ये अकेला आदमी पार्टी है, एक तानाशाही कहते हैं ना, झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, मोदी जी ने करके दिखाया मैडम। कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, आतिशी क्यों ना, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही कि फंसाया गया है बीजेपी द्वारा, फंसाया गया है, हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है बहुत ईमानदार है, ऐसे ऐसे बयान अभी तक जो है वो दे रही है। ये वही आतिशी मार्लिना है ना जो कहती थी बीजेपी वाले हमको फोन करते हैं, हमको 25-25 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन आतिशी मार्लिना ने कभी नाम नहीं बताया, आतिशी मार्लिना ने किसको फ़ोन आया ये नहीं बताया, आतिशी मार्लिना जी ने कब फ़ोन आया ये नहीं बताया, किस नंबर से फ़ोन आया ये नहीं बताया। ये वही आतिशी मार्लिना है ना जब कोर्ट में भाजपा के नेता इनके खिलाफ़ अपील दायर करते हैं तो ये चुपचाप जाके माफ़ी मांग लेती है। जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप?
यहीं दिल्ली से हूँ। नया मुख्यमंत्री जो है आज नाम जो है उनका अनाउंस कर दिया गया आतिशी का, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलेगा दिल्ली में और कुछ नया कुछ दिखने वाला है या फिर वैसी स्थिति रहेगी? बदलेगा ही, यहाँ पे दिल्ली में जल्द से जल्द दंगे होने वाले हैं। दंगे होने वाले हैं किस चीज को लेकर? अरे अब आप एक कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट और ये सब जो लिनिन के समर्थन को अगर आप वाली को आप अगर सीएम बनाएंगे तो क्या होगा? जो अफजल गुरु के मर्सी पिटीशन पे जिनके पेरेंट्स साइन करते हों उनसे आप क्या उम्मीद करते होंगे? यही चीज़ है। अरे आप अगर कन्हैया कुमार के साथ में गठबंधन करते हैं और उसके बाद में जो देश को तोड़ता है उसके बारे में आप बोलते हैं तो उसके बारे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सीएम से? जी बिल्कुल, आतिशी के अलावा भी कई नाम शामिल थे इसमें, लेकिन सबसे बड़ा नाम ये भी था कि सुनीता केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं मौका देखा जा रहा था, मतलब तो उनको जो है अरविंद केजरीवाल ने किनारा कर आतिशी को मौका दिया है, कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए सबसे पहला तो टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रसन्न करना था, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं ये कम्युनिस्ट लोग खुश हुए, और तीसरा क्रिश्चियन जो इन लोग का जो वोट बैंक है क्रिश्चियन कम्युनिटी को लुभाना था, तो यही सब चीज़ है और क्या। और सौरभ भारद्वाज को देखिए एज एन अगर समझ लीजिए मनीष सिसोदिया जेल में थे या जो भी थे हटा दिया जाए तो मनीष सिसोदिया सबसे पहले बनने चाहिए थे, मगर क्या है ना कि इनको राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है, राजनीति करिए ठीक है गंदी राजनीति करनी है इनको, यहाँ पे लोगों को बस आपको मतलब गंजेड़ी बनाना है नशेड़ी बनाना है तो वो राजनीति करनी है आपको। अब केजरीवाल से क्या उम्मीद करेंगे? केजरीवाल वो एक इंसान है जो आया था तो वो अन्ना हजारे जो सबसे सबसे बड़ा हम किसको मानते हैं अपने गुरु को, तो गुरु को इसने लात मार दिया। आज ये जन लोकपाल बिल के बारे में ये जो कहते हैं जन लोकपाल बिल इसने 9 साल में बोला, 9 साल में जन लोकपाल बिल के बारे में एक बार भी जिक्र किया नहीं किया, तो आप ये इसके बारे में क्या समझेंगे? और बीजेपी के जितने भी सांसद हैं स्पेशली मनोज तिवारी ने कहा है कि 3 महीने तक है उनके बाद इनका कुछ नहीं रहेगा दिल्ली में। मैम सही बात है, जब तक देखिए जब इलेक्शन ख़त्म होंगे यहाँ पे, जब इलेक्शन 2025 में होंगे तो जनता अगर दिल्ली की जनता भाई इतनी सही है तो मैं तो यही बोलूँगा कि 500 रुपये में दारू में और 500 रुपया पानी में मत बिक जाना इस बार। इस बार अगर ढंग की सरकार राष्ट्रवादी सरकार लाना तो ज़्यादा बेटर हो, जो आपके बेटे और बेटिया को क्या बोलते पियक्कड़ ना बनाए, पिंक ठेका ना बनाए। पिंक ठेका बनाया है इसने केजरीवाल ने, क्या उसकी सुनीता केजरीवाल और उसकी बेटी गई लेने? भाई प्रचार करते हैं ना, अरे वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं आप दिल्ली में, ठेका सब जगह खुलवाए जा रहे हैं, अरे पियक्कड़ बना रहे हैं आप, अरे पी के डोमेस्टिक वायलेंस औरतों पे कितना बढ़ गया है, ये आदमी लोग पी करके जाते हैं बुरा बर्ताव करते हैं अपनी वाइफ के साथ में, तो ये सब देखिए ना दिल्ली में हो क्या रहा है। और एक तरफ आपको ये नहीं लग रहा है कि काफी कुछ फ्रीबीज दे दिया महिलाओं के लिए, बस दे दी है, और अभी बजट जो पेश किया गया था उसमें भी महिलाओं जो 18 वर्ष से ऊपर जो महिला उनके खाते में 1000 रुपए आएगा हर महीने, तो आपको लग रहा है कि इन सब चीजों से जो है दिल्ली की जनता अट्रैक्ट होके वापस मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल को चुन सकती हैं? मैम वही बात है ना कि देखिए दिल्ली को सोचना पड़ेगा कि ये फ्रीवीज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब में इन्होंने वादा किया, पंजाब में मिल गया क्या? पंजाब में नहीं मिल रहा महिला लोग को? आज यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड 112 करोड़ के घाटे में है, 1200 करोड़ मैं 112 बोल रहा हूँ, 1200 करोड़ के घाटे में है। DTC बस जो बसें चलती हैं बसेस का नंबर भी कम हो गया और 37,500 करोड़ के घाटे में है। तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी सबके बढ़ गया, अभी शायद 9 रुपया या 7 रुपया यूनिट हो गया जो पहले कम था सब्सिडाइज वो था, तो ये देखिए ना घाटा हमारे इस पे दिल्ली पे बढ़ते जा रहा है, तो करेंगे क्या भाई? दिल्ली वाले के पास में ऑप्शन क्या है? आपने चुना है तो भाई झेलना पड़ेगा, गंगा साफ हो नहीं रही है। ये कहते थे कि हम स्टार्टिंग में 2014 में बोले थे कि हम हर घर से नल ये कर देंगे, नल में से पानी आएगा, टोटी में से पानी आएगा, कहाँ आया? आज 9 से 9.5 साल हो गए, कहाँ कुछ हुआ? बिल्कुल, मनोज तिवारी ने जो दावा किया था आज की सड़कों पे अभी भी गड्ढे मौजूद हैं, पानी गंदा आ रहा है, पानी की संकट भी काफ़ी है, और ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें बताई गई हैं, तो लग रहा है आपको मतलब ये सही है? मैम बात सही है, आज देखिए आज रोड सही नहीं है, फिर ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग रहा है। देखिए ट्रैफिक तो चलिए एक आम सा बात है कि ट्रैफिक लगेगा, चलिए उसके लिए मान लेते हैं, उसको मैटर ख़त्म करते हैं, मगर मैम देखिए ना थोड़ा सा बारिश होता है 10-15 मिनट का बारिश होता है तो पानी लग जाता है इतना, तो वो सब चीज़ तो गलत ही है। अगर आज MCD अगर सही से काम करती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आज हम देखते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में 20-22 बच्चे मर गए, तो कैसे हुआ ये? MCD अगर अपना सही से सही काम
अगर FCD अगर सही से काम करती तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, सही लगा जी। आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ से आप? मैं UP कानपुर से हूँ, वैसे दिल्ली में ही रह रहा हूँ। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गए मेरे को 8 साल हो। दिल्ली की स्थिति अभी कैसी लग रही है आपको, मतलब अगर कहाँ के, मतलब दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में नारायणा विहार रहता हूँ। वहाँ की स्थिति कैसी है? स्थिति मैम रोड की बहुत बेकार हो चुकी है, चारों तरफ के रोड एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और रोड बिल्कुल भी नहीं सही है। पानी इतना भरा हुआ है, गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, इतना जाम लग रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते रोड के मामले में, और इनका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री आज जो अनाउंस किया गया आतिश जी, को लग रहा है उनके आने से कुछ होगा आपके, जो मतलब जो भी समस्या है आपकी? मैं तो यही चाहूँगा अगर इनको मौका मिला एक बार तो कोशिश करें भाई दिल्ली को सुधारने की, मगर अब दिल्ली सुधर नहीं पाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चोर हो चुकी है। इन्होंने सबसे पहले अपनी जेब भरा है, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचा, और दूसरे के बारे में सोचा क्या, मोहल्ला क्लिनिक की कंडीशन बहुत बेकार चल रही है, पानी घर घर नहीं पहुँच रहा है, और पानी के भी इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि आदमी को 30 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ रही है। ये सब झूठ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं पानी की समस्या को आप झूठ बता रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं। एक बात सुनो, कभी नाच गना कभी मुट्ठी बलचना, गर्मी में 2-4 बार पानी अगर कम आ गया तो क्या हो गया? और रोड के जो गड्ढे पड़े हुए उसका क्या? तो लोगे पहले पूरी बात, गर्मी में थोड़े दिन पानी कम आ गया, क्या हो गया? जब राम जी बारिश करते हैं पूरी दिल्ली में पानी पानी हो जाता है, ये छान के नहीं पी सकते? ऐसे एक गमछा आता है हार्डवेयर की दुकान पे, धोती आती है 10 रुपए का, उससे छान के पी लो। जो बीमार पड़ेंगे उसका क्या है? जो बीमार पड़ेंगे फिर पीने के बाद क्या बात कर रहे हो? सेकुलर लोगों में इतनी ताकत होती है, वो जूस में मिला के पीते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? इतनी ताकत होती है उनके अंदर, वो सब पी लेते हैं, उनका हाजमा बहुत अच्छा है। देखा नहीं, शराब घोटाला करके सारा हजम कर लिया, सबूत मिटा दिए, इनकम टैक्स कमिश्नर थे ना, हुनर होता है, ऐसा हुनर होना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं आई लव केजरीवाल। यहाँ रेनोल्ड का पेन लगा रखा हमने, ये रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बदल देंगे हम, यूपी में नहीं बदल पाए थे, यूपी में नहीं बदल पाए थे। और अभी जो नए मुख्यमंत्री आपको मिल चुके हैं, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कुछ परिवर्तन होगा या अरविंद केजरीवाल वापस देख रहे हैं कि नहीं सीट पर? ये तो मोदी जी के ऊपर है जी, अब मोदी जी को ये समझना चाहिए, वो यार वो प्रधानमंत्री हैं, अब वो थोड़ी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, 10 सालों तक कोई चेहरा नहीं दिया, अब कोई चेहरा देंगे तभी तो हमारे दिल में से हमारा दिल टूटेगा। केजरीवाल जी छपाक से नीचे गिरेंगे, चोट खा जाएंगे, फिर वो जब चोट हो जाएगी तो वो कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर नया चेहरा आएगा, फिर वो इस दिल में आएगा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी भी बताई जा रही कहीं ना कहीं आतिशी को चुनना, ऐसा कुछ? आतिशी क्रांतिकारी है, वो क्रांतिकारी परिवार से है, वो इस देश में गिने चुने लोग होते हैं जो कसाब को बिरयानियां खिलवाते हैं। क्या बात हो गई, क्या हो गया? थोड़ा अटैक ही तो किया था, भाईचारे में किया था, कोई बात नहीं, प्राइमरी स्कूल हरी दीवार का उसमें पढ़ाया गया था पोटेशियम साइनाइड और सोडियम क्लोराइड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, केजरीवाल जी भी वही करते हैं, उन्हीं स्कूलों में तनख्वाह देते हैं, पढ़ाओ क्योंकि माल खरीदना पड़ता है ना पोटेशियम क्लोराइड और वो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड, इसलिए देते हैं मदरसे में सैलरी, लोगों को पता नहीं है। अब मंदिरों में सैलरी मांग रहे, मंदिरों में तुम बनाओ तो दे देंगे तुम्हें भी, तुम बनाते खाओ, वो तो बनाते तो वही है ना। तो आप ये देखिए, आतिशी जो थी ना वो इतनी बड़ी क्रांतिकारी परिवार से हैं, उनके पिताजी, उनकी माँ देखो, उनकी माताजी कौन, डॉक्टर तृप्ता वीरा, पिताजी विजय कुमार सिंह, अपने आप को पंजाब के राजपूत बताते हैं, और पति परवीन सिंह, लेकिन नाम आ गया मार लेना, क्योंकि पिता को पता था मैं जो मैंने क्रांतिकारी कार्य किए हैं, अफजल गुरु को फांसी भी चढ़ गई लेकिन मैंने समर्थन किया, अब मेरी बेटी मुख्यमंत्री कैसे बदलेगी, तो उन्होंने एक निजात किया नई जाति का, काल मार्क्स और वलानी दिमिल, वो वलानी दिल ले लेना के नाम से मिला करके वो जो है मार लेना जाति एक नई बना दिया, और उसकी पहली नागरिक जो है, पहली जाति की जो जाति होल्डर है वो है आतिशी मार लेना। कैसी बात कर रहे हो, बड़ी क्रांतिकारी है जी। अब आपसे बातचीत करके तो काफी समझ में आया कि आपका कितना आक्रोश है, अभी भी खुश नहीं लग रहे हैं मतलब आतिशी के आने। ये तो आप चीटिंग कर रहे हो ना, आप फिर वही चीटिंग कर रहे हो, हमने क्या काम, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बदल देंगे? केजरीवाल जी पे ही तो है ना आपत्ति, उन्हें ही बोला गया है ना, दिल्ली वालों क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या पता 420 नंबर की ड्रॉर में और एक फाइल अभी भी रखी हो जिसमें कुछ सबूत हो जो ED CBI के हाथ ना लगे हो, वो उसको वहाँ से हटा सकते हैं, तो इसलिए वो और उनके घर का कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि पत्नी भी बनेगी तो सबूत हटा देगी, गवाहों पत्नी को, हाँ हाँ गवाहों को डरा देगी। अब हम क्या करेंगे, केजरीवाल जी के दफ्तर से हमारे लिए रेनोल्ड का पेन आ गया है, इसमें एक वो जादुई शक्ति है
वो जो जहाँ से वहाँ से शक्ति आई है, जहाँ से शाहीन बाग में बिरयानी आती थी, अब वो कह रहे हैं आप दिल्ली वालों के पास में वोट लेके आऊँगा तो आप एक जजमेंट लिखना, क्योंकि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है वो रिजाइन देने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता अब एक लार्जर बेंच बनाएगी जिसमें सारे जज साहब होंगे, मेरी बहन आप भी आना, आप भी उस दिन एक दिन की जज बन जाना जैसे नायक पिक्चर में बने थे, आखिर मुख्यमंत्री भी तो बनाए ना, तो हम भी जज बन सकते हैं, तब हम जजमेंट देंगे। पर दिल में एक दुख है, हम तब जजमेंट नहीं दे पाए थे जब हमें जूस में ऐसी दुकानों के इनके असली मालिकों के नाम लिखने के लिए यूपी में आवाज़ उठानी पड़ी थी।